हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मटेरियल मैनेजमेंट। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, एकदम आसानी से पढ़ाऊंगी और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगी। ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मटेरियल है ना, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा आपको भी पता है ना। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, नहीं तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो उस मटेरियल को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है और उसका मतलब क्या होता है, यही सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। जो हमारा प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट आता है ना, मतलब प्रोडक्शन करने का जो टोटल खर्चा आता है, उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किसका होता है पता है आपको? मटेरियल का होता है। मतलब टोटल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा अगर कोई हिस्सेदारी रखता है तो वो है मटेरियल कॉस्ट। इसीलिए हमें बड़े ही आराम से, बड़े ही सलीके के साथ मटेरियल्स को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने वाला है। इसीलिए मटेरियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है हमारे बिजनेस में ना। 5 M बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला है मटेरियल, दूसरा है मशीनरी, तीसरा है मैन, चौथा है मनी और पांचवा है मैनेजमेंट। तो इसी से आप देख सकते हैं कि मटेरियल कितना ज़रूरी होता है किसी बिजनेस के लिए, तो इसको मैनेज करना भी उतना ही ज़रूरी है। फिलहाल ये तो था इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मटेरियल क्या होता है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ मटेरियल, तो हम में से बहुत सारे लोग मटेरियल का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल सोचते हैं कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए जो भी सामान चाहिए भाई वही है जो है। लेकिन ऐसा नहीं है, मटेरियल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, कंज्यूमेबल, लूज टूल्स, स्क्रूज, बोल्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें मटेरियल के अंदर आती हैं। मतलब A to Z चीज़ जो हमको प्रोडक्शन के लिए काम आने वाली हैं वो सारी की सारी चीज़ें मटेरियल होती हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही वाइड टर्म है, नैरो टर्म नहीं है। अब हम समझते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आप ये जो दूसरी लाइन मैंने लिखी है वो देखिए, इन शॉर्ट वाली। ओके, सो मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें परचेज करनी है। अब हमने परचेज कर लिया, अब हमको ये सोचना है कि हम कैसे जो चीज़ें, जो रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ें इन्वेंट्री वगैरह हम लेके आए हैं, उसे हम कैसे अच्छी तरह से स्टोर करें, कैसे हम उसका मूवमेंट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नुकसान ना हो। इसके अलावा ये सारी चीज़ें बहुत इकोनॉमिकली हो, ये भी हमको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिकली मतलब सस्ते में हो, अच्छे में हो। तो यही सारी चीज़ों को कहा जाता है मटेरियल मैनेजमेंट। अब आप ये ऊपर वाली लाइन देख सकते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कि हम मटेरियल्स को प्लान करते हैं कि कितना मटेरियल चाहिए, कहाँ से मटेरियल चाहिए, और फिर इन सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड ये प्रोडक्शन होने के शुरू से शुरुआत होता है और अंत तक चलता है, यही होता है मटेरियल मैनेजमेंट। आई होप यू आर वेरी क्लियर। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बच्चा भी समझ लेगा। अब बात आता है कि आखिर मटेरियल मैनेजमेंट को करना क्यों ज़रूरी है, मतलब क्यों किया ही क्यों जाता है। आप जो भी काम करते हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, होती है कि नहीं? होती है ना। तो हम बिजनेस वाले भी भाई एकदम से, मतलब क्या बोले, एकदम प्रॉफिट के पीछे लोग पागल हो जाते हैं, तो वो भी किसी ऑब्जेक्टिव से ही मटेरियल को मैनेज कर रहे होंगे। तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं देखिए, एक तो होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। पहला, परचेजिंग। जब आप मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं तो ही आपको पता चलता है कि आपको अपना माल बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, आपको आपका सामान बनाने के लिए कितना माल चाहिए। तो आप कितना परचेजिंग करोगे ये कहाँ से आपको पता चलेगा? जब आप मटेरियल मैनेजमेंट करोगे। दूसरा, इन्वेंटरी कंट्रोल। देखिए, आप जो स्टॉक लेके आओगे उसको आपको कंट्रोल करना है, कहीं वो ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, बीच में से ख़त्म ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ठीक से हो इसलिए हम मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। तीसरा, देखिए आप समझ लीजिए, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बीच में से ही आपका रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया,
तो अब क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो सप्लाई रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर आपने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से मटेरियल मैनेजमेंट किया हुआ है, तो सप्लाई कंटिन्यू बना रहे इसलिए भी मटेरियल मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। चौथा है मेंटेनिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो आप जब परचेस कर रहे होंगे ना रॉ मटेरियल, तो आप क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल लेके आएंगे। तो जब आप मटेरियल क्वालिटी वाला रखोगे तो जो अंत में जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो भी क्वालिटी वाला रहेगा। तो अगर आपको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाने हैं उसके लिए भी आपको मटेरियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड देन मेंटेन एफिशिएंसी, भाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे उसको बेचोगे तो आपके ही बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसलिए भी मटेरियल मैनेजमेंट करा जाता है। एंड देन इस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशन। देखिए जब आप मटेरियल मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो सप्लायर भी खुश रहेगा, कस्टमर भी खुश रहेगा, सब खुश रहेंगे, तो आपका रिलेशन भी अच्छा बना रहेगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है मटेरियल मैनेजमेंट करना। अब कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होती हैं। देखिए जैसे समझ लो कि मेरा कार का शोरूम है और मैं कार बनाती हूँ, ओके, प्रोडक्शन में मैं कार का प्रोडक्शन करती हूँ, तो मेरे पास मेरे को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो टायर्स हैं उनको मैं बनाऊं, खुद बना के अपने गाड़ियों में लगाऊं या फिर खरीदूं। तो अगर मेरे को मेक और बाय का डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी मुझे मटेरियल मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मेरे को अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, तो भी मेरे को मटेरियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर मेरी जो प्रोडक्ट है उसका मेरे को और स्टैंडर्डाइजेशन करना है, उसको और बेहतर करना है, तो उसके लिए भी मुझे मटेरियल मैनेजमेंट ही हेल्प करने वाला है। तो ये कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स थे। आई होप समझ आया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट कैन बी मेंटेन्ड एट अ डेफिनेट लेवल। देखो हम मैंने आपको शुरू में ही बताया कि टोटल कॉस्ट में अगर सबसे बड़ा किसी का हिस्सा रहता है तो वो हिस्सा रहता है मटेरियल कॉस्ट का। तो ये जो एक अच्छे लेवल पे बना रहे तो ही अच्छा लगता है। अगर टोटल कॉस्ट में एकदम 80-90% कॉस्टिंग अगर मटेरियल का आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको एटलीस्ट 50-60% पे रहे, इसलिए मटेरियल मैनेजमेंट करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मटेरियल का वेस्टेज बहुत कम हो जाता है अगर हम मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं तो। तीसरा, एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, हेंस रेसेस एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। जब मैं मटेरियल मैनेजमेंट करती हूँ तो मैं मटेरियल का बड़े ही अच्छी तरीके से उपयोग करूँगी, और जब अच्छी तरीके से उपयोग करूँगी तो मेरे बिजनेस का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बराबर। चौथा, एवॉइड प्रोडक्शन डिसरप्शन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये पॉइंट पहले ही, जब आप मटेरियल मैनेजमेंट अच्छे से करे रहोगे तो आपके पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं रहेगी। जब रॉ मटेरियल की कमी नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन अच्छे से होता रहेगा, प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। एंड पांचवा है, डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल इज रिसीव्ड एट अ राइट टाइम। अच्छे से तुमने मटेरियल मैनेजमेंट कर रखा है एंड जहाँ से ऑर्डर लिया है उसको अच्छे से बोल रखा है तो तुमको वो डिलीवरी भी सही टाइम पे देगा। एंड छठा, कि कभी भी आपको रॉ मटेरियल की सडन शॉर्टेज नहीं होने वाली है। सेवन्थ, नो सिचुएशन ऑफ हैवी स्टॉक ऑफ मटेरियल अराइजेस। ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं आएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक बच गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब प्लान करके रखा है तो कहाँ से बच जाएगा। एट, टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। प्रोडक्शन करने का जो टाइम है उसको भी बहुत हद तक घटाया जा सकता है अगर मटेरियल मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए तो। एंड नाइन्थ, कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये मूवमेंट लिख दिया है, यहाँ पे मूवमेंट आएगा, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स कैन बी रिड्यूस्ड। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में या फिर यहाँ से वहाँ माल ले जाने में बहुत सारा माल बर्बाद हो जाता है, तो अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट सही से करोगे ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ आप वेस्टेज कम कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया सारे टर्म्स, परचेजिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग, रिसीविंग, डिस्पैचिंग, स्टोरेज, ये सब एक्चुअली है क्या, अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला, परचेजिंग मतलब क्या है, कि आप कोई कमोडिटी या कोई सर्विस को ले रहे हो, प्रोक्योर मतलब ले रहे हो और बदले में आप पैसे दे रहे हो। ठीक है, अगर मेरे को कोई मेरा कार का शोरूम है और मेरे को कार का प्रोडक्शन करना है तो
तो मैं कार के जो पार्ट्स हैं उसको परचेज कर रही हूँ, तो वो है परचेजिंग, उसको खरीद रही हूँ. ओके, सेकंड वन इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री मींस इन्वेस्टमेंट इन द परचेज ऑफ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड एट्रेक्सा. अगर ये सारी चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करके ये सारी चीज़ें आप खरीदते हो, इसका मतलब आप इन्वेंट्री खरीद रहे हो, और इन्वेंट्री को कंट्रोल करना ही इन्वेंट्री कंट्रोल होता है. मैं जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल, जो भी पार्ट्स वार्ट्स जो खरीद के लाई हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से कंट्रोल में खरीदना है, कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो वही है इन्वेंट्री कंट्रोल. तीसरा है मटेरियल हैंडलिंग. मटेरियल हैंडलिंग, अब देखो मैंने वो कार के पार्ट्स खरीदे, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको अच्छी तरह से मूवमेंट करके ले जाऊं, कहीं वो गिर ना जाए, टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, अच्छी तरह से उसको पैकिंग करवाऊं और अच्छी तरह से उसको एक साथ लेके जाऊं. तो मटेरियल हैंडलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है. चौथा है स्टोरेज. अब मैं लेके आ गई ना पार्ट्स, तो अब मेरे को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट. लेकिन देखो, सिर्फ स्टोर करना यानी सामान को कहीं रख देना, उसी को स्टोरेज नहीं बोलते हैं. बल्कि अब मैं देखूंगी कि यार जो मैं सामान लेके आई थी यार, वही है ना, कि कहीं मैं उसने मेरे को कुछ और तो नहीं दे दिया, ये सब मैं चीज़ें चेक भी करूँगी, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज़ रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग. अब इसका मतलब यही होता है कि अगर मैंने कोई मटेरियल ऑर्डर किया है जो मुझे कहीं भेजना है, या मुझे कहीं से मटेरियल को लेना है, तो मैं रेलवे स्ट्रीम शीट या किसी ट्रांसपोर्ट के पास जाके ले सकती हूँ या भिजवा सकती हूँ, तो वही है रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग. आसान सा चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ येस, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी आप जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे नोट्स वगैरह दे दूँगी. एंड श्योर ये बोलूँगी कि इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे. एंड यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. बाय बाय.